सरकार के आस्थाने के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक इसी तरह का जो एक मजमा है वो आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान के ऐतिहासिक मेलों में शुमार किया जाने वाला राजी सरकार का ये मेला हिंदी माह के जेठ महीने में तमाम चीज़ें हैं सब मौजूद हैं। देख सकते हैं बच्चों के वो तमाम बेहतरीन खिलौने। नाज़रीन ये झूले के ऊपर से कुछ व्यू है आप देख सकते हैं। तो हम झूले वाले जोन में इंटर कर चुके हैं और तमाम तरह के जो झूले हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए कितनी बड़ी दुकान है, एक मॉल की तरह ये इस पूरी दुकान को डेकोरेट किया गया है। नाजिन आप हमारे चैनल स्टूडियो फॉर या लाभ। तो नाजिन इस वक्त हम बहराइच मेले में हैं। इस वक्त अजय के सैयद सलार सूर्यवासी जो बहराइच जेठ मेला है वो मनाया जा रहा है और कसी तादाद में जो जायरीन है वो इस वक्त मेले में मौजूद हैं। और अभी मैं पूरा मेले का व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। और अजय सैयद सलार सूर्यवासी रहमतुल्लाई का मेला है जेठ मेला वो 11 मई से 11 जून तक मुनक्द किया जाएगा और जिसमें इलाके के तमाम लोग हाजिर के दर तशरीफ लाते हैं। तो चले चल करके आपको मेले का व्यू दिखाते हैं कि किस तरह का मेले का व्यू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह। तो इस वक्त हम शिरकत कर रहे हैं हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जेठ मेले में। और हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का यह आस्थाना उत्तर प्रदेश के ज़िले बहराइच में है। और इस वक्त हम मेले के जून में हैं और जहाँ पर मेला लगा हुआ है हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये जेठ मेला जो है पूरे 30 दिनों तक चलता है, जिसमें हर सूबे और कस्बों से लोग जो है शिरकत के सबब यहाँ तशरीफ लाते हैं। और एक कसी तादाद में एक हजूम जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और हर तरफ जो है आपको ज़ायरीन ही ज़ायरीन नज़र आएंगे। गाज़ी मियाँ के 30 दिन तक चलने वाले इस मेले में आपको दुनिया की वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो आम ज़िंदगी में आप नहीं पा सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो है गाज़ी सरकार के इस मेले में आपको मिल जाएंगी। और गाज़ी सरकार के आस्थाने के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक इसी तरह का जो एक मजमा है वो आपको देखने को मिलेगा। आप जब इस मजमे के बीच तब आपको इस मजमे का पता चलेगा कि किस तरह का यहाँ पर मजमा है। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में जो ये मेला है वो लगा हुआ है दरगाह के हर तरफ और हर तरफ ही इसी तरह के ज़ायरीन का एक हजूम है। तो अभी हम मेले के अंदर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेले में किस तरह का माहौल है। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन आधे घंटे से मैं खुद ही जो है वो इस मेले में भटक रहा हूं और जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। घूमते घूमते तकरीबन 1.5 घंटे हो गए हैं यहां पर मुझे, लेकिन वो मेन पॉइंट जो है मैं जंजीरी गेट की तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इंटर मैंने जंजीरी गेट की तरफ से किया था लेकिन मैं एग्जिट पीछे के गेट से हुआ तो अब फिर से मैं उसी तरफ जाना चाहता हूँ क्योंकि मेले का झूलों का जो एक बड़ा जोन है वो उसी तरफ मौजूद है। आप देख सकते हैं खाने पीने के भी तमाम सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और भीड़ के बीच नहीं लेकिन भीड़ के तमाम बाहर जो है शरबत और ठंडे पानी के वो तमाम इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर आने वाले ज़ायरीनों के लिए जो है खुद्दामाए हज़रत गाज़ी सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के तरफ से किए गए हैं। हिंदुस्तान के ऐतिहासिक मेलों में शुमार किया जाने वाला गाज़ी सरकार का ये मेला हिंदी माह के जेठ महीने में लगता है, जिसका एक खास इतवार होता है जो कि दूसरा इतवार होता है और उसमें मुख्तलिफ मजहबों के तमाम लोग जो है गाज़ी सरकार के आस्थाने पर हाजिर के सबब तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ ला करके आपके इस जेठ मेले में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। तो इस वक्त हम जंजीरी गेट के पास हैं, ये वो जंजीरी गेट का खुशनुमा मंजर जो आप यहाँ समाप्त फरमा रहे हैं वहीं से वो इंटर है जिससे तमाम अंदर जाते हैं। तो अभी हम मेले की तरफ चलते हैं और आपको मेले का पॉइंट और व्यू दिखाते हैं कि किस तरह का व्यू जो है वो इस वक्त गाज़ी सरकार के मेले में है और क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप वो तमाम चीज़ें जो है इस कैमरे के अंदर देखेंगे कि किस तरह की वो तमाम चीज़ें दुनिया के तमाम सामान वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। गाज़ी सरकार का ये जो मेला है वो 30 दिनों तक जो है चलने वाला है
और मुसलमानों से ज़्यादा जो है गैर मुस्लिम राज्य सरकार के हकीकत के सबब यहाँ पर कसी तादाद में तशरीफ आते हैं। हमने आपको आस्थानी के बैक साइड का भी दिखाया था, इस वक्त हम फ्रंट साइड के जंजीरी गेट की तो सामने जो गली गई है उस गली में मौजूद है और वहाँ पर भी तमाम चीज़ें हैं, सब मौजूद हैं। देख सकते हैं बच्चों के वो तमाम बेहतरीन खिलौने भी गाजी सरकार के मेले में मौजूद हैं। देखिए वो बेहतरीन चश्मों की दुकान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ये दुकान यहाँ पर है और ये 100-100 रुपये और 150 रुपये में नेकलेस, 100 रुपये में ये बूंदे जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी दुकानें जो हैं, आप करीब से देखने आएंगे तो इस तरह आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ये मेला घूम नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ आपको चलते हुए दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इतना मेरे पास भी वक्त नहीं है। और खोया पाया केंद्र में तमाम लोग जो है वो अपनों से बिछड़ जाते हैं क्योंकि मेला ही इतना बड़ा है, अगर आपका बच्चा खो जाता है तो उसे ढूंढ पाना जाहिर ही मुश्किल है। तो इसी के लिए हर सेकंड यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि किसका बच्चा कहाँ पर खो गया है। और देखिए तमाम जो है एक बड़े स्पेस के साथ ये तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पर रचाई और सजाई गई हैं, इसके लिए आने वाले ज़ायरीन हैं वो आसानी के साथ जो है ख़रीदारी कर सके। खाने पीने के भी बड़े बड़े स्टॉल जो है वो इस मेले में मौजूद हैं। फाइबर्स के सामान की दुकानें जो हैं वो बहुत लगी हुई हैं यहाँ पर, और ये देख सकते हैं ये हलवा पराठा भी जो है मेलों की शान और जान होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त हम झूलों के जोन की तरफ आ गए हैं, जिस तरफ वो झूलों का जोन है और किस तरह के कौन कौन से झूले जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी शाम नहीं हुई है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी तमाम झूले जो है वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये झूले के ऊपर से कुछ व्यू है, आप देख सकते हैं किस तरह जो ज़ायरीन है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं हर तरफ, और कितना बड़ा जो है वो झूला है यहाँ, मेले का बेहतरीन व्यू यहाँ से आपको मिल रहा है। तो हम झूले वाले जोन में इंटर कर चुके हैं और तमाम तरह के जो झूले हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के जो भी वो झूला झूलना चाहें वो यहाँ पर मौजूद है। और झूले का जो प्राइस है वो यहाँ पर बहुत ही बेहतर है, जिस तरह हमने देवा में देखा था कि वहाँ पर एक झूले की राइड लेने के जो 100 रुपये थे वो यहाँ पर 40 से 50 रुपये हैं। और ये झूले का वो पॉइंट और तमाम झूले जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और मेला जो है आज से अपने रूज पर होगा, आज से यहाँ पर ज़ायरीनों का आना जो है वो शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पर ज़ायरीनों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। और इस बड़े वाले झूले की राइड जो है 40 से 50 रुपये है, और देख सकते हैं कि किस तरह का बेहतरीन जो यहाँ पर माहौल है। और इस तरह के बड़े झूले कई जो इस मेले में मौजूद हैं, ये नाव वाला झूला और ये तमाम नए डेंजर झूले जो वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो बड़े झूले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, 1, 2, 3, एक उस साइड पर भी मौजूद है 4, और एक ये 5 और 6 झूले जो हैं वो इस तरह के यहाँ पर मौजूद हैं। लकड़ी के सामान की भी दुकानें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं और तमाम लकड़ी के सामान भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और बच्चों के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जो खिलौने हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से बेहतरीन वो खाने पीने के भी स्टॉल के पॉइंट बनाए गए हैं। फाइबर के भी सामान की बेहतरीन दुकानें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं, हर माल जो है वो 20 रुपये में लगा हुआ है और तभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दुकानें 5 स्टार की तरह जो है वो यहाँ पर मेले में सजाई गई हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह की और कितनी बड़ी ये दुकान
यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसी ही बेहतरीन दुकानें जो हैं तमाम यहाँ पर लगी हुई हैं, और हर माल 100 रुपये में यहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए कितनी बड़ी दुकान है, एक मॉल की तरह ये इस पूरी दुकान को डेकोरेट किया गया है। तो कुल मिलाकर ग्रीन जो है ये मेला जो है आसपास के इलाकों में सबसे बेहतरीन मेला जो है सैयद सालार गज़ू। कुल मिलाकर सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये मेला हिंदुस्तान के ऐतिहासिक मेलों में इस मेले का शुमार किया जाता है। और माशाल्लाह देख करके भीड़ आप इस बात का अंदाज़ा मेरी बात ही लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ज़ायरीनों का एक हजूम है, और किस तरह पर यहाँ पर दुकानों में लगाई रचाई और सजाई गई हैं। और मेले के हर तरफ जो है वो इसी तरह का माहौल है। घर के डेकोरेट करने वाली सीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये वो हलवा जो कि हर मेले की शान होता है वो भी यहाँ पर मौजूद। शाम का वक्त हो चला है और तकरीबन 5 बज रहे हैं और हम जंजीरी गेट के करीब हैं। और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आपको दिखाऊंगा जंजीरी गेट का ये खूबसूरत माहौल जिस वक्त यहाँ पर है। सीसीटीवी फुटेज का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। और ये जंजीरी गेट से अंदर जाने की कचमकश लोगों में मची हुई है, आप देख सकते हैं। हम गाजी सरकार के सहन के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक हजूम जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और बारातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और तमाम लोग अपनी अपनी बारातें लेकर के वो गाजी सरकार के आस्थाने पर शिरकत के सबब तशरीफ़ ला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वहाँ ज़ायरीनों का इतना हजूम है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है वहाँ पर। तो और ये सिलसिला जो है अब रात तक चलेगा, और तमाम बारातें जो है वो आस्थाने पर आएंगी। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मेले के बाहर जो दुकानें लगी थी अभी मैंने आपको वो दिखाया। अब मैं आस्थाने के सहन के करीब जो दुकानें लगी हुई हैं मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मार्केट जो है दरगाह बाज़ार का, ये बिल्कुल दरगाह के करीब है, दरगाह से बिल्कुल सटा हुआ ये तमाम मार्केट जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर भी वो तमाम सामान जो है मौजूद हैं। और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये मेला कितना बड़ा होगा। और देखिए इस तरफ इसके अंदर भी उधर से जाने पर दुकानें लगी होती हैं, और पहले मैं उधर से आ चुका हूँ तो उधर भी इस तरह की दुकानें थी। और ये जो दुकानें लगी हुई हैं दरगाह के सहन के अंदर की दुकानें हैं, और ये गेट बना हुआ है, अभी हम इससे बाहर जाएंगे। इसके बाहर की भी जो दुकानें हैं वो मैंने आपको पहले ही दिखाई है। तो ये दरगाह के सहन के अंदर का कुछ नज़ारा था। नाज़रीन देख सकते हैं कि दरगाह पर जाने किस तरह से लोगों में कश्मकश है जो मची हुई है। दरगाह का गेट जो है वो खुलने वाला है। तमाम लोग ज़ियारत के सबब जो है सबसे पहले आस्थाने पर जाने के लिए व्याकुल हैं। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर एक हजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। तमाम लोग जो वो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा गेट है, उसी से तमाम लोग जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आस्थाने के बिल्कुल करीब है, और तमाम जो लोग हैं दूर दराज से गाज़ी मियाँ की जो बाराते हैं वो लेकर के यहाँ आते हैं, और गाज़ी मियाँ
यहाँ के इस आस्थाने पर हाजिरी की सब तशरीफ़ लाते हैं। आप देख सकते हैं ये खुशनुमा माहौल, और ये तमाम झंडे भी उन्हीं लोगों के द्वारा लाए जाते हैं जो गाजी सरकार के आस्थाने पर पैदल सफ़र करके आते हैं। ये वो झंडे पेश करते हैं आपके इस आस्थाने पर। देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, हर तरफ से मुजाहिरीन है, यहाँ